सो गाइस मर से 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग आए शिरगांव, जो कि यहाँ पे है प्रति शिरडी, जो कि सामने आप देख सकते हो ये प्रति शिरडी है। सिमिलर शिरडी का सेटअप है यहाँ पे, और राइट नाउ यहाँ पे हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। हम अभी शिरगांव के प्रति शिरडी को आए दर्शन लेने। गाइस ये प्रति शिरडी बनता है अराउंड 2003 में, और मेरे को तो अभी पता चला कि प्रति शिरडी है। मैंने प्रति बालाजी के बारे में सुना था, पर प्रति शिरडी का फर्स्ट टाइम सुना हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग आए, और एज यू कैन सी अंदर सेम टू सेम शिरडी का सेटअप है। अगर आप शिरडी गए रहेंगे तो आपको पता चलेगा। वेट, आई विल शो यू इनसाइड, अगर फोटोग्राफी अलाउड रहेगा तो। 80,000 के जूते तेरे, फिर खरीदने में तेरा घर जाएगा। संभाल के रख भाई। इससे पहले हम वो टेंपल को गए थे ना, वहाँ पर वंशदा है ना, बहुत डर रहा था। उसके जूते एक साइड को एक जूता रख रहा था, दूसरे साइड ब्लॉग में दिखाया मैंने। हाँ भाई, मैं नहीं था ना। तेरे को क्या लगा ब्लॉग में मैंने दिखाएगा? हाँ वही, वो तो कंटेंट है भाई, वो दिखाना पड़ता है। एंट्रेंस ऑफ द प्रति शिरडी, यहाँ से एंटर हो गए हम, और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ अंदर कैसा सेटअप किया है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एज इट इज शिरडी जैसा बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे शिरडी का सेट बनाया है। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप ऐसा एज इट इज, और ये जो बीच में हवन का कुंड है, ये देखो ये भी ऐसे ही है शिरडी में भी। और ये मेन टेम्पल है राइट साइड में जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम साईं बाबा के दर्शन करने जाएंगे। जो एग्जिट भी बनाया है इन लोगों ने, ये भी शिरडी में जिस तरह से है, शिरडी के मेन टेम्पल में जिस तरह से है उसी तरह से बनाया है। और उसके एग्जैक्टली सामने यहाँ पे प्रसाद काउंटर, ऐसा लग रहा है कि हम लोग शिरडी में ही आ गए। यहाँ साईं बाबा के सीक्रेट दर्शन यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पुणे सिटी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो प्रति शिरडी पुणे के नज़दीक ही अराउंड 1 आवर के ड्राइव पे, सो आप प्रति शिरडी आके भी साईं बाबा का दर्शन ले सकते हो। सो ये है हमारा मेन एंट्रेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल एंड कैमरा नॉट अलाउड। सो हम लोग अभी यहीं तक आपको दिखा सकते हो, इस तरफ भी कुछ और है। सो ये हम बाद में जाके एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, तब तक हम साईं बाबा के दर्शन कर लेंगे। So, जो आप देख सकते हैं ये बड़ा पैलेस जैसा दिख रहा है आपको। सो लग रहा रहेगा कि ये पैलेस नहीं तो किसका तो घर रहेगा, नहीं तो राजवाड़ा एंड ऑल, पर एक्चुअली ये है अन्न क्षेत्र, जो कि इस बिल्डिंग के अंदर आपको महाप्रसाद मिलेगा। तेरे को क्या लगा, पैलेस ही रहेगा ना? मुझे लगा कुछ अच्छा सा ऐसा पैलेस टाइप बनाया देखने को, पर अन्न क्षेत्र इतना बड़ा और इतना यूनिक बनाया है यहाँ पे। आप यहाँ पे महाभोजन का लाभ भी उठा सकते हैं, जो कि दोपहर का टाइमिंग है 12:30 to 3:30 तक मिलेगा आपको खाना यहाँ पे, और रात का महाप्रसाद का लाभ लेना रहेगा। सो 6:30 to 9:30 का यहाँ पे टाइमिंग है। तो गाइज अभी हमारा जो है साईं बाबा के दर्शन हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन लेने तेहूर, जो अभी आपको थोड़े ही सेकेंड्स में दिखेगा। 1.5 घंटे में रे आपके लिए सेकेंड ही होने वाला है, हमारे लिए 1 घंटा, आपके लिए सेकेंड्स। आप थोड़े बहुत स्पेशल हो ना उसके लिए। रास्ता बा आफ्टर वेरी लॉन्ग वाला हेडेक वाला ट्रैफिक, पुणे सिटी में बहुत ही ट्रैफिक था। सो फाइनली अभी हम लोग पहुंचे थे और चिंतामणि के गणपति बप्पा के यहाँ पे, ये छोटा सा मार्केट लगा आई थिंक। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ब्रो? एडवेंचर बहुत हेक्टिक था बाबा, ट्रैफिक। एंड राइट नाउ इट्स 8:30 और मंदिर बंद होता है 10 o'clock के आसपास।
ये है एंट्रेंस मंदिर का। ये है मेरे सामने गणपति बप्पा का टेंपल और ये है अंगन परिसर मंदिर का। और थेऊ का टेम्परेचर है 20 डिग्रीज अभी फिलहाल। अभी बज रहे 8:40 को ये 20 डिग्री है, सोचो फिर रात को तो हालत टाइट होने वाली, ठंडी बहुत होने वाली है यहाँ पे। और ये गांव साइड रहते हैं सो और ठंडी रहेगी यहाँ पे। तो अंदर कैमरा अलाउड होगा पर आप यहाँ से दर्शन ले सकते हो। यह मंदिर पीछे कालीन है, बहुत पुराना मंदिर है, पूरा लकड़ी का काम है। चिंतामणि गणेश भगवान के नाभि में हीरा है, बहुत चमकते रहता है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हम लोग का प्लान यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम लोग थेऊर में ही रुकने का, स्टे करने का सोच रहे हैं। और वो भी देखो सामने है मंदिर और ये है गेस्ट हाउस। मंदिर के अंदर ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गेस्ट हाउस। पहले हम लोग का प्लान था कि मुर्गा के गणपति बापा के यहाँ पे जाके स्टे करने का था, पर अभी फिलहाल 9 बजे सो वापस जाते जाते 1.5 घंटा आराम से लगेगा। फिर वापस जाके वापस रूम ढूंढो, वहाँ पे रूम मिला नहीं मिला, इसके ऊपर अपना दिमाग ख़राब नहीं करने का। इससे अच्छा हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे स्टे करते हैं आज और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी से निकलेंगे। अगर आपको भी स्टे करना रहेगा मंदिर के परिसर में, ये है सामने गेस्ट हाउस और ये है सामने बुकिंग ऑफिस, यहाँ पे आप आके बुक कर सकते हो। गणपति बप्पा मौर्य। सो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 6:55 और अभी सुबह का एक आरती हो चुका है और अभी अभी हम गणपति बप्पा के दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है यहाँ पे, ठंडी लग रही है। और ये देखो वंश कहाँ जा रहा है, वंश जा रहा है बैग्स लेने। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्पॉट जाएंगे मोरगाँव, मोरगाँव का मोरेश्वर गणपति जो कि यहाँ से 68 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ जाने के लिए हमको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो अभी यहाँ से निकल के हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर मोरेश्वर। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2 और राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोरगाँव जो कि वहाँ पे भी गणपति बप्पा का दर्शन लेने वाले हैं। सो अभी सब लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और मैंने आज येलो टी शर्ट पहना बिकॉज मोरगाँव से हम लोग जाने वाले जेजुरी खंडोबा के दर्शन करने के लिए। सो गाइस ये है मेन मंदिर मोरेश्वर गणपति और इस गणपति के बारे में माना जाता है कि ये मोरेश्वर गणपति है जो कि सबसे पहला गणपति माना जाता है। तो अष्टविनायक यात्रा जो स्टार्ट करते हैं हम, ये शुरू होती है मोरेश्वर से और खत्म भी होती है मोरेश्वर से। पहला मोरेश्वर जो कि मोरगाँव में, सेकंड है सिद्धि विनायक जो कि सिद्धटेक में, बाद में थर्ड वाला है बल्लारेश्वर जो कि पाली में, और इसे लाइन से 8 गणपति के। पिछले गणपति के मंदिर में जो पिछला मंदिर हमने देखा था, पिछला अष्टविनायक का मंदिर, वहाँ पे भी इनका फ़ोटो लगा हुआ था। सो स्टोरी क्या है कि जब भी हम लोग
जिसे भी भगवान का जयकारा करते हैं, तो उन भगवान का नाम लेके हम एक फॉर एग्जांपल दुर्गापुर भवानी माता की जय बोलते हैं। यहाँ पे गणपति बप्पा का नाम लेने के बाद हम लोग बोलते गणपति बप्पा मौर्या। सो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ कि जो मौर्या गोसावी जी थे वो गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त थे। सो उन्होंने अपनी तपस्या से गणपति बप्पा को बहुत खुश किया था, प्रसन्न किया था। सो उससे प्रसन्न होकर गणपति बप्पा ने उनको ये ऐसा वरदान दिया कि जब भी कोई भी गणपति बप्पा का जयकारा लगाए उनका नाम करेगा सो उनके बाद ये मौर्या गोसावी जी का नाम आएगा, इसलिए हम बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्या। हम लोग 7 ITS पहले आए थे, तभी मैं छोटा सा इतना साथ रहेगा, हम दोनों, तू भी था ना तभी? हाँ, तभी हम लोग आए थे यहाँ पे मोरगांव में, हम लोग ने स्टे ही लिया था और ये कुछ नहीं था तभी, पूरा बिल्डिंग अभी अभी बना है। और तभी 7 ITS पहले हम लोग ने यहाँ पे स्टे किया था सामने वाला गेस्ट हाउस में। सब मेमोरीज रिकॉल हो रहे हैं अभी। पहले हम लोग का प्लान था मोरगांव में आके स्टे करने का था, पर थेऊर में हम लोग को बहुत लेट हुआ, सो हम लोग ने प्लान ड्रॉप किया। हम लोग ने सोचा थेऊर में स्टे करते और कल अर्ली मॉर्निंग निकल के मोरगांव और जेजुरी वगैरह आगे का स्पॉट्स कैरी ऑन करते हैं।